नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने मोबाइल का डाटा अपने कंप्यूटर में कैसे डाल सकते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरी वीडियो में बने रहें और बीच में ना छोड़ें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। तो आप देख सकते हैं मेरे पास सामने मेरा कंप्यूटर है। अब मैं आपको अपने फ़ोन का डाटा उसमें डाल के दिखाने वाला हूँ। तो इसके लिए आपको चाहिए अपने डाटा केबल, जिससे आप अपना फ़ोन चार्ज करते होंगे। तो आप देख सकते हैं मेरे पास डाटा केबल है। अब वो क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। तो जो एक सिरा है, जो कि बड़ा वाला सिरा है, आपको इसे लेना है और अपना जो सीपीयू है आपको वहाँ पे जाना है और उसमें देखना है उसमें यूएसबी केबल कहाँ बना हुआ है। मेरा जो इनबिल्ड है वो तो ये अलग पीसी है जिसमें मेरा यूएसबी वाला ऑप्शन यहाँ पे है, तो मैं इसमें लगा देता हूँ। मैंने इसे लगा दिया है, आपको भी ऐसे लगा देना है अपने इसमें जीपीयू में। सीपीयू में लगाने के बाद अपना जो दूसरा छोर है उसका, यानी जो चार्जर का दूसरा छोर है जो आपके फ़ोन में लगता है, आपको उसे अपने फ़ोन में लगा देना है। तो मैं अपने फ़ोन में लगाता हूँ। फ़ोन में लगाते ही यहाँ पे देखिए कंप्यूटर पे एक नई विंडो खुल के आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पे आ चुकी है, जिसमें दो ऑप्शन आ रहे हैं, इंटरनल स्टोरेज और एसडी कार्ड। तो मेरे फ़ोन में मेमोरी कार्ड डला हुआ है, तो यहाँ पे दो स्टोरेज आ रहे हैं। इसके बाद आपका डाटा जहाँ पर भी है आप उसे फाइल को ओपन कर लीजिए। तो यहाँ पर फाइल को ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे जो एक डाटा है, यहाँ पर डाउनलोड में मेरा एक डाटा पड़ा है, यहाँ पे फोटो आ चुकी है। यहाँ से आप अपनी फ़ोटो यहाँ पर डाल सकते हैं। तो गाइस, आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।